दुनिया की कोई भी उपचार की पद्धति है वो एनर्जी के माध्यम से ही हो रही है। तो ये एनर्जी सिस्टम को जानना बहुत ज़रूरी है। हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं, कुछ सॉलिड हैं, कुछ लिक्विड हैं, कुछ गैसियस हैं, कुछ एथर है, और वो स्पेस, पूरा यूनिवर्स ऊर्जा से भरा हुआ है। यूं तो हमें सूर्य देवता दिखते हैं, उनसे सौर्य ऊर्जा मिलती है, हवा मिलती है, पानी से अलग हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये कई स्रोत हैं ऊर्जा के। ऐसे ही एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऊर्जाएं होती हैं। ये तो प्रत्यक्ष हो गई जो हमें दिख रही है, महसूस हो रही है। कुछ अप्रत्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ हैं। जैसे कि हम आभामंडल देखते हैं, वो एक कलर्ड हमारी एनर्जी फील्ड है, पर उस एनर्जी फील्ड में अनेक अनेक तरीके की ऊर्जाएं स्थित हैं, जैसे लाइट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, मैग्नेटिक फील्ड, और अभी भी वो ऊर्जाएं जिसको साइंटिस्ट लोग या हम ह्यूमंस ढूंढ नहीं पाए हैं। तो ये संपूर्ण ऊर्जा ईश्वर ने हम लोग के लिए बनाई है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बनाई है, हमारी मनोकामना पूर्ण के लिए, पूर्णता के लिए बनाई है। पर इसे हम अगर नहीं समझेंगे तो हम उपचार नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जादू है। ईश्वर ने जब हमें पैदा किया है, हमारे साथ सारी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। फिर भी इंसान जब दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो इधर उधर भटकता है, क्योंकि उसे ये ज्ञान नहीं होता कि मेरे आसपास सब वो ऊर्जाएं हैं जिससे मैं ठीक हो सकता हूँ। अगर मान लीजिए आपने कोई उपचार की पद्धति सीखी भी नहीं है, तो क्या हम ठीक नहीं हो सकते? बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। मान लीजिए अगर हम पूजा नहीं कर रहे हैं, तो क्या हम ठीक नहीं हो सकते? बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है, इस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करना है। तो खुली आंखों से तो कर नहीं सकते। हमें इसके साथ जब हम एक रूप होंगे, समरस होंगे, हार्मोनियस होंगे, तभी ये महसूस होगी। तो इसके लिए हमें बहुत शांत होना, आंखें बंद करके ध्यान की मुद्रा में होना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम इसका आभास कर पाएंगे कि हमारे अंदर शरीर में क्या कुछ हो रहा है। आह्वान करना जरूरी है, यानी एक कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। जब हम एक कनेक्शन बनाते हैं तो ये ऊर्जाएं हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, और ये ऊर्जाएं हमारे शरीर में चक्रों के माध्यम से प्रवेश करती हैं। तो चक्र अभी हम नहीं समझते हैं, लेकिन अगर इसको आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो बहुत ही शांत मुद्रा में बैठें और सिर्फ आवाहन करें कि मैं अपने यूनिवर्स से, इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गया हूँ। इतना आभास करना बहुत आवश्यक है। जब कूलली, साइलेंटली, जब हम इसको फील करते हैं और अपनी परेशानी भी कहते हैं, तो उसका निवारण भी होता है। तो ये ऊर्जाएं आपके लिए आती हैं और चली जाती हैं, और ये सब एक वाइब्रेशन कह लो, रेडिएशंस कह लो, इनके माध्यम से वर्क करती हैं। क्योंकि जैसे आप फोन चलाते हो तो अप्रत्यक्ष ऊर्जा आके आपको कुछ, आप साउंड ऑन करते हो तो साउंड सुनाई देता है और आप बात कर लेते हो। ठीक ऐसे ही हम भी जब अपनी इंद्रियों का स्विच ऑन करते हैं, यानी हम साइलेंट मोड पर आते हैं, तो ये ऊर्जाएं हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। वैसे तो हमेशा ही अंदर आना जाना इनका लगा ही है, तभी हम जीवित हैं। पर हमारा ध्यान एकाग्रचित होता है, और हम उस एकाग्रचित होने के बाद जब कोई बात इनसे कहते हैं तो वो सुनी जाती है। तो इस तरह से उपचार हम करते हैं।